नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कोटा में नाबालिग छात्रा परिधि जैन के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर यश राणा और नितेश जैन के नेतृत्व में राजीव गांधी नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। यश राणा ने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी को लेकर कैंडल मार्च निकालकर परिधि जैन को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक हाकम अली खान का स्वागत किया। जयपुर से फतेहपुर के लिए निकले हाकम अली खान के साथ आए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष विधायक रफीक खान का रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया। समारोह के दौरान विधायक ने कहा कि फतेहपुर की जनता की दुआओं की वजह से उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है और मुख्यमंत्री और आलाकमान ने जिस तरह का भरोसा मुझ पर जताया है उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। विकास परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा और हमारे प्रभारी अजय माकिन साहब ने। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। फतेहपुर के विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो जिम्मेदारी मिली है वो फतेहपुर की जनता की बदौलत ही मिली है। फतेहपुर की जनता ने मुझे विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा, इसलिए आज हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारे मुख्यमंत्री ने मेरे ऊपर भरोसा किया और ये जिम्मेदारी। राशमी में मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया तीर्थधाम में श्री सोमनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में हरिवंश कीर समाज की बैठक समाज के वरिष्ठ पंच पटेलों की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसहमति कई महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करके प्रस्ताव पारित करके अमल में लाने पर जोर दिया गया। करड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 7.23 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में संजीवनी योजना नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। चोमू कस्बे के जयपुर रोड जलदाय विभाग के पास स्थित आधुनिक सुलभ शौचालय देखरेख के अभाव में जर्जर अवस्था में होने पर पार्षद महेंद्र कुमावत ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पार्षद कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत आधुनिक सुलभ शौचालय जयपुर रोड पर बनाया था, जिसमें नगरपालिका ठेकेदार की मनमर्जी के कारण शौचालय देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। इस मामले में न्यायिक जांच करवाने की मांग की गई। बूंदी के नेनवा में हाईवे 148D पर चैनपुरिया रोड चौराहे पर चाय की दुकान पर दिन दहाड़े हथियारों से लैस बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ की गई। गाली गलौज मारपीट करने का मामला सामने आया है। वही दुकानदार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि दोपहर उसकी दुकान पर एक युवक आया और आते ही धमकी देकर कहा कि इस चाय की पत्ती को फेंक कर दूसरी चाय बना कर दो, जिस पर बेटे ने चाय देने से मना कर दिया तो युवक ने कुछ बदमाशों के साथ आकर मारपीट और गाली गलौज की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर के मकराना शहर के माताभर रोड पर स्थित मोमिनपुरा में कादरी मस्जिद के पास एक जलसा जश्न विलादत मौला अली और उर्स इमाम जाफर अल सादिक मनाया गया, जिसकी सदारत कादरी मस्जिद के इमाम मौलाना असलम रजा रब्बानी ने की। इस दौरान तकरीर का भी आयोजन हुआ, जिसमें हिम्मतनगर गुजरात से आए नात खुआ मोहम्मद मोइनुद्दीन मुस्तजाब ने हमद से शुरुआत की। जाड़ोल पंचायत के कॉम्प्लेक्स के बाहर दुकानदार के बनाए अवैध चबूतरों पर ग्रामीणों की शिकायत के बाद पंचायत ने एक्शन लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया। आपको बता दें कि ग्रामीण और दुकानदारों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला तहसील के करथाना में प्रशासन द्वारा मंदिर की जमीन की रीको को आवंटित करने के मामले में विरोध के सुर कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। इस क्रम में भारत तिब्बत संवाद मंच ने जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी को ज्ञापन सौंपा। मंच के राजस्थान क्षेत्रीय अध्यक्ष भारती वैष्णव ने कहा कि मंच के माध्यम से ज्ञापन सौंप पुनः मंदिर निर्माण कर इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है सर, किस संस्थान से है और किस तरह का मामला है, क्या बताएंगे? नाम ज्ञानेश्वरी गोस्वामी है, भारत तिब्बत संवाद मंच जिला चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं और मेरा जो टीम है, मेरा संगठन है, वो हम आज डूंगला तहसील के करथाना गांव में जो एक मंदिर हटाया है
प्रशासन के द्वारा जो मंदिर हटाया है उसमें उसके खिलाफ उसके लिए हम जिला कलेक्टर महोदय और अतिरिक्त कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए। हमारा संगठन मानसरोवर की मुक्ति के लिए विशेष तौर से काम कर रहा है और तिब्बत की आज़ादी चाह रहा है। वर्षों से जूझते हुए तिब्बत को आज़ाद करवाना है और हमारा जो मेन जो हमारे आराध्य देव हैं महादेव, जो जिनके दर्शन हम आसानी से नहीं कर पा रहे थे, फिर अब तो मोदी जी ने एक सुगम रास्ता बनाया जिसके तहत हम लोग जा पा रहे हैं। ऐसे उद्देश्य को लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है। पर आज हमने हमारे पड़ोस में ही डोंगला में जो मंदिर, डोंगला तहसील के अंदर जो मंदिर है, वहाँ इस तरह का कारण हुआ है कि वहाँ की जो गज सिंहपुर में श्री खाटू श्याम पैदल यात्री संघ की तरफ से खाटू धाम के लिए 4 मार्च को प्रथम डाक ध्वजा रवाना की जाएगी। श्याम मंदिर से ज्योत प्रज्वलित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस डाक ध्वजा को रवाना किया जाएगा। डाक ध्वजा को करीब एक दर्जन श्रद्धालु बिना रुके 71 घंटे में करीब 350 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर श्याम बाबा के दरबार का दर्शन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।